आज हम बरेला झील के आसपास का कुछ गांव का कवरेज करेंगे। देखिए, बरेला झील के जो पास में जो गांव सब पड़ते हैं, उसके निचले इलाका जितने भी हैं, सारे में बाढ़ का पानी भर चुका है। वो देखिए, बहुत सारे बाढ़ का पानी भर चुका है, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी करनी पड़ रही है। देखिए किस तरह से घर में पानी भरे हुए हैं। हेलो, नमस्कार। आज हम आए हैं माथी धर्मचंद, ये गांव है जो कि बरेला के क्षेत्र में पड़ता है। देखिए यहाँ पर किस तरह से बाढ़ का पानी, बाढ़ पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर चुका है। कुछ सैलानियों से जो कि यहाँ पे घूम रहे हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे लग रहा है कि जिस तरह से एकदम समुंदर है। कभी यहाँ पर खेती हुआ करता था। और ये देखिए सामने ये घर भी है, और सामने दिखाया जाए उस भी घर भी है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे पानी आ चुके हैं, एकदम समंदर का मंजर है। यहाँ पे कुछ लोग देखिए आए हुए हैं, उसे कुछ पूछते हैं। आप बताइए यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम लोग पानी देखने आए, और बहुत पानी है इधर उधर, सब खेती डूब गया है, और चलते भी नहीं पड़ता है, ना चलता है। आपका यहाँ पे क्या है, आपका घर है या फिर कुछ और? हम लोग घूमने आए हैं इधर, मेरा खेती है। आप लोग का इधर खेती था, उसके पूरी तरह से। और तो आप चलिए ठीक है, और भी कुछ जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पर इधर देखिए नाव, कुछ लोग मछली मार रहे हैं। देखिए नाव में मछली भी है। अरे यार, बहुत सारे पानी है और बहुत सारे जनता लोग है। ए बाबू लोग, इधर आओ रे, इधर आओ रे। बताओ तू लोग यहाँ पे क्या कर रहा है? पैर तो हमारा भी भींग गया। देखो रिकॉर्ड करो उसको। देखिए वो दूर पे लग रहा है जैसे कि वहाँ पे टापू पे बैठ के, और लग रहा है कि कहीं से बह के आए हुए हैं ये लोग को। जानते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे घूमने आए हैं या टहलने आए हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या हाल है। बताइए आप लोग क्या करने आए हैं? हम लोग घूमने के लिए आए थे। हाँ, और हम लोगों को लगा पानी थोड़ा सा है, घुसे तो इतना पानी हो गया। तो आप लोग इंजॉय कर रहे हैं, आपको दुख है या फिर मजा आ रहा है? दुख भी है, और मजा भी आ रहा है, और इंजॉय भी कर रहे हैं। ये लोग तो मजा भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी, इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, और ये लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। आपको क्या कुछ कहना है? हमको क्या कहना है, हम लोग का जो धान था ना, वो दह गया है, बहुत दुख। खरीफ फसल तो दह चुकी है, और लगता है कि रबी फसल भी नहीं होगा, कि पानी निकलेगा उसके बाद। कैसे होगा इसमें, कैसे होगा, कैसे होगा, इधर दह गया है ना, पानी जम गया है। इसमें एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि नहाते भी है? नहाते हैं, लेकिन तैर भाई नहीं आता है, इनको तैरने आता है, हम लोगों को। अच्छा, तो आगे बहुत पानी है ना? हां, आगे बहुत पानी है, समुद्र की तरह से लग रहा है। और आसपास के गांव भी पूरी तरह से डूब चुके हैं। एक रोड है, इतना रोडे पर पानी आप देख सकते हैं। नीचे एक, इसके नीचे रोड है, और जिससे यह रास्ता शायद आगे की तरफ जाए, बस यहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा, यहीं तक ही रास्ता। यहाँ रोड बन चुकी थी पहले से, और इसमें इतना पानी है कि अब देख सकते हैं कि बहुत सारा पानी भर चुका है, और सारे इधर के जो भी फसल थे कुछ भी दिख नहीं रहे हैं। और उधर देखा जाए तो उधर घर देखिए कितना डूब चुका है, कि उसके छत के ऊपर से पानी होके भर रहा है। पहले पानी नहीं था इतना, और ये रोज रोज प्रतिदिन पानी इसका बढ़ ही रहा है। बाढ़ आने से लोगों को परेशानी तो बहुत हुई है, और लोग को यातायात का साधन करने में बहुत सारे दिक्कत हो रहे हैं। अभी लोगों को आने जाने के लिए अब एक नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।